जॉनी, हम एक बार और जा रहे हैं, वहाँ कुछ गलत है, मुझे डॉग को ठीक से देखना है। जॉर्ज, क्या डॉग को शूट करोगे? हाँ। 10 डिग्रीज की तरफ प्लेन को मोड़ो। ठीक है। ये क्या हुआ? खुद को चैंपियन समझो। हाँ, मैं चैंपियन हूँ। जॉनी, मुझे इमरजेंसी चेकलिस्ट दो। ओके। अभी जॉनी। मैं दे रहा हूँ, मुझे इसको बंद कर रहे दो लुइस, वरना यहाँ कट ऑफ हो जाएगा। सब करो, हम नीचे जा रहे हैं। कंट्रोल रूम हमारा जाम गिर रहा है। लिटिल लूलू, भगवान बचा लेना। हम नीचे गिर रहे हैं। एडमिरल, कैप्टन, बैठो ना। दाखल देने के लिए माफी चाहता हूं। लोरा कैसी है? वो अच्छी है सर। स्कॉच? नहीं नहीं सर, ड्यूटी में हूं। तुम स्वाइपर को कितनी जल्दी ला सकते हो? करीब 24 घंटे में सर। वैसे तुम्हारे पास 12 घंटे हैं। हमें एक डूबे प्लेन में से मेडे रेडियो मैसेज मिला था। लिटिल लुलू, ये मैसेज हमें सुमित्रा आइलैंड के पास मिला था और मैसेज का कुछ हिस्सा गायब था, इसलिए हम कामयाब नहीं हो सके। इन पेपर पर पूरी जानकारी है जो कि हम सोच रहे हैं कि उस आइलैंड पे हो रहा है। प्रेसिडेंट रूजवेल्ट ने मुझे बेहतरीन पनडुब्बी और कैप्टन भेजने को कहा है। समझ गए कैप्टन? यस सर। सुनकर अच्छा लगा। मेरी बात सुनो, तुम हिलो मत। क्या तुमने जर्मन यूबोट देखी? कोई फर्क नहीं पड़ता। अभी बात मत करो, ठीक है? चुप रहो बस। तुम ठीक हो जाओगे। सुनो, तुम ठीक हो जाओगे, ओके? सांस लेते रहो। रुको मेरे साथ जॉनी। नहीं जॉनी! ये तो बहुत बुरा हुआ। क्या तुम्हारी मॉम ने गैम्बलिंग के लिए मना किया था? लगता है तुम अपनी मॉम से कुछ सीख नहीं पाए। ओ, अपना मुंह बंद रखो कटर। तुम्हारी बारी। तुम्हारे लिए ये मेरी चाल। मैं नहीं चाहता तुम लोग अकेला महसूस करो। अरे यार, मुझे और दो पत्ते दो।
मेरा हो गया। क्या कोई कार्ड नहीं है? नहीं। मैं तुम्हें 3 देता हूं, तेरी बारी। और जरा लाइटर देना। और ये मेरी 3 की चाल। तो मेरी भी 3 की चाल। मैं 3 और बढ़ाता हूं। ओके, ठीक है, मैं पैक। मुझे पता है कि तेरे पास ही अच्छे पत्ते हैं। अब तुम्हारी बारी है चीफ। लगता है मेरे पास कम है। IOU के बारे में क्या ख्याल है? नो बुक्स नो IOUs। तुम्हें याद है हमने खेल शुरू करने से पहले क्या बात की थी? अगर दांव लगाने के लिए कुछ ना हो तो कीमती चीज लगाओ, जैसा कि वो घड़ी तुमने मुझसे चुराई है। चुराई है मैंने? तो तुम्हें अपनी घड़ी वापस चाहिए। मुझे पता है किसको किसकी जरूरत है। मुझे लगता है मुझे गेम बंद करके यहां से जाना चाहिए। ऐसा नहीं कर सकते और ना ही तुम करोगे। हे चीफ, क्या मैं वो घड़ी देख सकता हूं? यहां देखो, यहां कुछ लिखा है। लिखा है कि टू सैम्यूल कटर फ्रॉम रॉबर्ट ई ली 1864। हे, अभी है 1944 और सितंबर का महीना चल रहा है। इस हिसाब से 80 साल। वाकई? क्या बात कर रहे हो तुम? एक बात कहूं कटर, तुम्हें पता है कि तुम एक बूढ़े आदमी हो। तो फिर चीफ, ये घड़ी आपके पास कैसे आई? इसने वो चुराई थी। चीफ ने चुराई? चीयर्स। सच तो यही बताएगा, मैंने जीती थी अपनी लास्ट कार्ड गेम में। हे, क्या मैं देख सकता हूं? क्या ये सच में सिविल वॉर्स के रोबोट्स ईली हैं? मुझे लग रहा है मैं इतिहास में हूं। जनरल ई ने मेरे दादाजी को तोहफे में दिया था, उन्होंने साथ में जंग लड़ी थी। ओके, चलो अब घड़ी मुझे दो। जनरल ली मेरे आदर्शों में से एक है। मेरा परिवार जंग के बाद नॉर्थ कैरोलिना चला गया था। हाँ, ऐसा बहुत सारे कॉर्पोरेट बैगर्स करते हैं। तुम मेरे परिवार को कॉर्पोरेट बैगर्स कह रहे हो? कोई बात नहीं म्यूली। तो तुम इसका क्या करने वाले हो चीफ? क्या तुम इसे लूजर की तरह अपने पास रखोगे या फिर इस घड़ी को फेंक कर हम सबको चौंकाओगे? चीफ, घड़ी को संभाल के रख लो, बहुत देर हो गई है। तुम्हारे पास क्या है कटर? चलो देखते हैं। तुम्हें समझना बहुत आसान है। तुम्हारे पास क्या है कटर? चलो देखते हैं। मैं चाहता हूं कि तुम जीतो। तुम नाकामयाब हो, तुमने सिर्फ खोया है। इस बार भी तुम ही हारोगे। देखते हैं। मैं जीत गया। 3 बादशाह और 2 गुलाम। देले, 4 देले। तुम हार गए। वो घड़ी पुश्तैनी निशानी है और वो घड़ी मेरी है। अब और नहीं, तुम हार चुके हो। वैसे भी कटर तुम्हारा बाप नहीं है और तुम्हारे दादा ने तुम्हें जुआ खेलने से मना नहीं किया। और तुम्हारे बाप ने, जो कि वेल्डिंग का काम किया करते थे, उन्होंने दूसरों की बीवियों से दूर रहना नहीं सिखाया? या बाप बेटे में कोई फर्क नहीं? साले कमीने। अब शांत हो जाओ चीफ। मुझे पता है क्या कह रहा है और मुझे वो पसंद नहीं। चीफ, जाने दीजिए। क्या तुम जानते हो, ये तब की बात है जब मेरी कैप्टन कोल्ड पेपर से नई नई बातचीत शुरू हुई थी, ऑफिसर टू ऑफिसर। मुझे लगता है वो चीफ और मिसेस कोल्ड पेपर के बारे में जानना चाहेंगे। क्या ये धमकी है? वो घड़ी मेरी है।
नीचे देखो, ब्रिज क्लियर करो, तैरो तैरो, आगे बढ़ो। मुझे कुछ मैसेज मिल रहा है सर, लेकिन समझ नहीं आ रहा। पेरिस्कोप डेप्थ तक। सुनो, जल्दी से इंजन रूम को सिक्योर करो। जो हमें वो जहाजों का काफिला मिला करीब 6000 यार्ड पर। अब स्कोप। म्यूली टारगेट रेंज क्या है? 4000 यार्ड सर। डाउन स्कोप। उन्हें नहीं पता है हम यहाँ हैं, तो लगता है हमारे पास चॉइस है। कैप्टन, हमें एक रेडियो मैसेज मिला है पर कुछ समझ नहीं आ रहा। हम यहाँ इसलिए है ताकि उस पायलट को पकड़ सकें जिसने लिटिल लूलो के साथ मिलकर ये मैसेज भेजा। अब यहाँ काम हो चुका है, हम उस कमीने को पकड़कर पता करेंगे कि उस आइलैंड पर हो क्या रहा है। अब स्कोप। टारगेट कितनी दूरी पर है? 3000 यार्ड्स। दोस्तों, लगता है हम बिन बुलाए मेहमान बनने वाले हैं। हमारे सामने 10,000 टन का टैंकर है, एक छोटा सा कार्गो शिप जिसमें एम्यूनेशन हो सकता है या तो फिर कुछ और, और दो जापानी डिस्ट्रॉयर जो वापस जा रहे हैं। डाउन स्कोप। जो तुम्हें क्या लगता है, पहले टैंकर लेते हैं, फिर कार्गो, और फिर यहां से निकलते हैं? ये तो मेरे मन की बात थी। अप स्कोप। फ्लड ट्यूब 1, 2, 3 और 4 बाहर का गेट खोलो। फ्लड ट्यूब 1, 2, 3 और 4 बाहर का गेट खोलो। हम पहले टैंकर लेंगे, उसके अगले स्टारबोर्ड का एंगल 35 डिग्री है। रेंज मार्क। डाउन स्कोप। ऑल अहेड 2/3। चलो, ऑल अहेड 2/3। कार्गो शिप ठीक टैंकर के पीछे, उसी रास्ते पर थोड़ा धीरे चलो। हम रेंज को 2000 यार्ड पर बंद कर देंगे। हम उनके कितने नजदीक जाएंगे? बस कुछ 100 यार्ड और उसके बाद हम मछलियां छोड़ देंगे। अब स्कोप। उन्होंने हमें देख लिया। रेंज 2000 यार्ड। सर, डिस्ट्रॉयर हमारी तरफ आ रहा है। 80 डिग्री स्टारबोर्ड ट्रैक की क्या पोजीशन है? 2, 5, 5। टॉर्पेडो रूम तैयार रहो। मेरे ऑर्डर्स का इंतजार करो, फिर शूट करेंगे। रेडी ट्यूब्स 1, 2, 3 और 4। ट्यूब रेडी 1, 2, 3 और 4। बाय आउट 0, 5, 5, 5। ट्यूब 1, 2, 3 और 4 रेडी। ट्यूब 1, 2, 3 और 4 रेडी। टॉर्पेडो रूम तैयार रहो। फाइनल पोजीशन मार्क। बेयरिंग 270। बेयरिंग 270 सेट। रेंज मार्क 1500 यार्ड्स। वो डिस्ट्रॉयर लगभग हमारे पीछे है। फायर 1। पहला गया। फायर 2। दूसरा गया। वो डिस्ट्रॉयर 2 मिनट में तबाह होने वाला है। डाउन स्कोप। हे चीफ, तुमने कभी सेलिंग की है? सर, आपने कभी सेलिंग की है? वैसे मैं और मेरा भाई बचपन में छोटी सेल बोट्स बनाते थे, हम उनको सेंट्रल पार्क की झील में तैराते थे। जब हम दोनों इस जंग से बाहर निकलेंगे तो हम सेलिंग के लिए चलेंगे। हम मेरी नाव लेंगे और केप कार्ड के आसपास सेलिंग करेंगे। बहुत बढ़िया सर। फायर 3। तीसरा गया। फायर 4। चौथा भी गया। सर, हमसे मिलने कोई आया है। नीचे जाने के लिए तैयार हो जाओ, 250 फीट अंदर। नीचे जाने के लिए तैयार, उसे नीचे ले जाओ। 250। नीचे जाने के लिए तैयार। सर, मुझे कुछ सुनाई दे रहा है। चीफ, पहली टारगेट के लिए कितना समय है? 10 सेकंड। 150 फीट। 5 सेकंड। 175 फीट। सब तैयार हो जाओ। आपको टैंकर मिल गया सर।
दूसरा टॉर्पेडो हिट सर। सेकेंड हिट सर। ब्रेस अप रेडी हो जाओ। 225 फीट। तीसरा टॉर्पेडो चूक गया। ये बहुत नजदीक था। 250 फीट। चार में से दो बुरा नहीं है। तीसरा भी हिट कर गया सर। अच्छा निशाना है सर। चार में से तीन बढ़िया दोस्तों, ये इतना बुरा नहीं है। चलो छोड़ो, आगे बढ़ो, उसे 275 तक नीचे ले जाओ। 275 तक की गहराई तक ले जाओ। सर मैं जानता हूं ये पागलपन है, लेकिन लगता है डिस्ट्रॉयर जा रहा है। वो कह रहा है डिस्ट्रॉयर वापस जा रहा है। उसने सर्वाइवर्स को आखिर पकड़ा क्यों? हो सकता है कुछ और ज्यादा महत्वपूर्ण है। और इशियो, जहां तक सर्वाइवर्स की बात है, हमें अपने गिरे हुए पायलट को भी उठाना है। जो लिटिल लूलू के आइलैंड पर कोऑर्डिनेट्स को मैच करो, हम उसे छोटे आइलैंड के पास उठाएंगे। उसके करीब जाने से पहले हमें बंदूकें और हथियार चाहिए होंगे। चीफ गैलहर और मैं किनारे के पास जाएंगे। गोली मत चलाना, ये हमारा आदमी हो सकता है। ठीक है सर। डिड लुलू? हाँ मैं हूँ, शुक्र है आप लोग आ गए। ओके चलो यहाँ से निकलते हैं। नहीं हम अभी नहीं जा सकते। क्यों, क्या मतलब है तुम्हारा? दो बंदी युद्ध के पुराने जैप शैक में है जंगल के अंदर, एक जापानी कैदी भी है। मैं हर रोज देखने आता था कि आप लोग आए या नहीं। हमें चल के उन्हें छुड़ाना होगा। ठीक है, हम उन लोगों को बचा कर यहाँ से निकल जाएंगे। से झूठ कहा, लुइस को वो जिंदा चाहिए था। अगर मैं सो गया तो तुम मेरा माल चुराकर उसे धुएं में उड़ा दोगे और निप को मार दोगे। तुम किसी के भी सगे नहीं हो सकते हो। तुम अब क्या करोगे बताओ? क्या तुम रेडियो ठीक करोगे और हमें नहीं बताओगे? मैंने तुम पर एहसान किया बेवकूफ, मैंने तुम्हारी जान बचाई है। मुझे कोई परवाह नहीं है उन पागल कमीनों की। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता उनकी चीखों से। आई मेड अ चॉइस कॉबॉय। इन जापानियों की तरह अगर तुम भी चल नहीं सकते तो जाकर के मरो। और ये चल नहीं सकता था, और वैसे भी
लुइस को यहाँ से गए घंटों हो गए, पता नहीं वो वापस लौटेगा भी या नहीं। तुम सब एक जैसे हो, सिर्फ अपने बारे में सोचते हो। अब मेरा क्या होगा अगर मैं नहीं चल पाया तो? मैं भी मरूंगा, मुझे छोड़कर चले जाओगे? तुम अमेरिकन सिर्फ इतना ही बन सकते हो, कैपिटलिस्ट, गैंगस्टर्स और काउबॉयज। काउबॉयज और गैंगस्टर्स, वैसे इन जैसे लोग तुम्हें बचाने के लिए बोट से आ रहे हैं। हम बीच की तरफ जाएंगे, वहां से राफ्ट में बैठकर वापस सब में। जैप को क्या हुआ? वो मर चुका है कैप्टन। लेकिन तुम इनके कॉन्टैक्ट में कैसे आ गए? मैं उनसे कुछ टाइम पहले बीच पर मिला था। मेरे C-47 के गिरने के कुछ दिन बाद उनका प्लेन क्रैश हो गया था। कैप्टन, ये जापानीज मर चुका है। और कोई खबर है? शायद नहीं। कैप्टन, सुबह होने में 3 घंटे बचे हैं, हमें सुबह होने से पहले ये करना होगा। हमें यहाँ से जल्दी बढ़ना होगा। वहाँ पेट्रोल होगा। गैलहर, उसकी तलाशी लो, शायद कुछ काम का मिल जाए। लुइस, मुझे बताओ कि तुमने आइलैंड के दूसरी तरफ क्या देखा? कैप्टन, मैंने जो देखा वो मुझे अच्छे से पता है। मैं उस जगह के ऊपर उड़ान भर रहा था जब मैंने उन्हें हार्बर पर साथ देखा। जैसे ही हम करीब गए उन्होंने हम पर हमला कर दिया और हम नीचे गिरने लगे और मेरा को पायलट जैप के हाथों मारा गया। कैप्टन, हमें ये खबर हेडक्वार्टर्स तक पहुँचानी होगी। कैप्टन, उसके पास कुछ नहीं है। साथ में किसकी फोटो थी? एक जैप डिस्ट्रॉयर और एक जर्मन यू बोट। यू बोट? और यहाँ जर्मन साउथ पैसिफिक में कर क्या रहे हैं? कैप्टन, यहाँ पहुंचने से पहले ही उनका फ्यूल खत्म हो जाएगा। मुझे प्रेसिडेंट रूजवेल्ट से सीधे सी वाइपर को वहां भेजने का आदेश मिला है। ये एक जरूरी मिशन है चीफ। जब तक ये खबर बाहर नहीं आ जाती किसी को भी विश्वास नहीं होगा कि जर्मन ऐसा कर सकते हैं। चीफ, गैलहर और आप वापस बोट में चले जाएं। लेफ्टिनेंट लुइस और मैं इस आइलैंड का मुआयना करेंगे। कैप्टन, अच्छा होगा अगर आप चले जाएं और मैं यहाँ पर रुक जाऊं। ये बहुत रिस्की है सर। और सर, ये एग्जेक्स का पहला टूर है पनडुब्बी पर। वो एक सरफेस वेसल सेलर था सर। चीफ, मैं चाहता हूँ आप और गैलहर वापस बोट में चले जाएं। यस सर। चीफ, क्या आप अपनी राइफल देंगे? हाँ बिल्कुल। तुम मेरे भाई जैक कैनन को तो जानते ही होंगे। वो नेवी पायलट है एक एयर हॉक का, 2 साल से वो MIA है। माफ कीजिए चीफ, ये नाम सुना नहीं मैंने, लेकिन आप अपनी राइफल देंगे? हाँ, क्यों नहीं। ध्यान से सुनो चीफ। यस सर। एक्सो अच्छा आदमी है, तुम उस पर भरोसा कर सकते हो। उसे बताओ यहाँ पर क्या हो रहा है, लेकिन किसी और को पता ना चले। तुम्हें ऑफिसर कटर पर नजर रखनी है, उसके ऊपर काफी इल्जाम लगे हुए हैं। यस सर। यहाँ की पोजीशन रेडियो पर रिपोर्ट करो। हमारी मुलाकात कल होगी, कल सुबह 3 बजे बीच पर। अगर हमारी मुलाकात ना हो सकी तो ये खबर सब पैक को दे देना। और यू बोट पर, मैं फिर से दोहराता हूँ, यू बोट पर हमला नहीं होना चाहिए। जब मैं वापस आऊँगा तब हम उसे मुंह तोड़ जवाब देंगे। ये मेरा ऑर्डर है। Am I clear? बिल्कुल क्लियर है सर। ये ब्रिज है, राफ्ट हमारी स्टारबोर्ड साइड से 100 यार्ड दूर दिख रहा है। सर, डिस्ट्रॉयर 4000 यार्ड्स दूर है, बेरिंग 120। कौन? ब्रिज, रेडार, डिस्ट्रॉयर को 4000 की दूरी से पकड़ सकता है। बेरिंग 120। अपनी पोजीशन को स्थिर रखो, हम उनको लेकर आ रहे हैं, डुबकी के लिए तैयार हो। ये एक्सो भी ना, ये एक्सो हम सबको मरवाएगा। राफ्ट के कुछ लोगों के लिए हम पूरी बोट को खतरे में नहीं डाल सकते। उस राफ्ट में कैप्टन सवार है। नीचे देखो, ब्रिज क्लियर करो, डाइव डाइव। आपका स्वागत है चीफ, मगर ये कैप्टन का है। दुश्मन की जासूसी पर
उसे गहराई तक ले जाओ। और ट्यूब एक दो तीन गहराइयों तक। टॉपिड और रूम फ्लड ट्यूब 1, 2 और 3। ट्यूब 1, 2 और 3 भर चुके हैं। चीफ बो का एंगल है 2.5। बेयरिंग मार्क 1, 1, 2। डाउन स्कोप सब पढ़ो 2/3। बाहर का दरवाजा खोलो। वो आगे बढ़ रहे हैं सर। 60 डिग्री पोर्ट ट्रैक का क्या स्टेटस है? 1, 0, 5। मैं फाइनल बेयरिंग देता हूँ, फिर हम ऊपर की ओर जाएंगे। अब स्कोप। बाहर का दरवाजा खोलो। स्टैंड बाय ट्यूब 1, 2 और 3। ट्यूब 1, 2 और 3 तैयार करो। फाइनल बेयरिंग मार्क 1, 0, 0 सेट। क्या हमला कर दें? 2000 yards। अभी दुश्मन हमारे निशाने पर है, हमें हमला कर देना चाहिए। 1500 yards सर। हम उससे हारने वाले हैं। डाउनस्कोप। मैं उसे सुन सकता हूँ सर, वो हमारे ऊपर है। उन्होंने हमें देख लिया, हमें हमला कर देना चाहिए, अब हमें भागना होगा। उसे 350 की गहराई में ले जाओ। इस बोट को 300 फीट तक और नीचे लेके जा सकते हैं। फीट। चार्जेस ड्रॉप्ड। तीन सौ फीट। मिल्वी, बार्ती में हो क्या तुम? मुझे सुन पा रहे हो? चीफ ये जवाब नहीं दे रहे हैं। ये बेहोश हो गया है, लेकिन ये जल्दी ठीक हो सकता है। हमें इसे हेडक्वार्टर लेके जाना होगा। वाकई? तो फिर कमांड मुझे संभालना होगा। तीन सौ पच्चीस फीट। हमारा नुकसान और दबाव बढ़ रहा है। क्या हमें 325 पर जाना चाहिए सर? चीफ, उसे 350 फीट तक लेकर जाओ और सारे इंजन्स बंद करो। शांत होकर इंतजार करेंगे और फिर मैं उन जैप ट्यूब्स को दिखाता हूं कि हम क्या हैं। जीत तो हमारी ही होगी। डॉक्टर, डॉक्टर, क्या कभी तुम्हारी पोस्टिंग इवली में हुई है? नहीं, आखिर इवली में ऐसा क्या है? औरतें हैं वहां, औरतें, लंबे काले बाल, काली आंखें, और वो महकती हैं नारियल और खूबसूरत फूलों की तरह। उन्होंने मुझे एक बार बताया था, उन्हें सब कुछ पता है कैसे एक आदमी को खुश रखा जा सकता है। तुम उनके चक्कर में सब कुछ भूल जाओगे, फिर चाहे वो एक पल के लिए क्यों ना हो। hey, मेरी हार्मोनिका कहाँ है? hey, मैंने सुना है वो जगह बहुत ही खतरनाक और डरावनी है, और वहां जाना पागलपन है। तुम अपना मुंह बंद रखो। सच कहता हूं, मैं तुम्हें इतना मारूंगा, मार मार के तुम्हारी ऐसी हालत करूंगा कि आइंदा कुछ बोलने लायक नहीं बचोगे। यार, मैं घर पहुंचकर अपनी फैमिली को ज्यादा से ज्यादा वक्त दूंगा। किसी अच्छी जगह पर घूमने चले जाऊंगा, जहां पर सुकून और शांति हो और लाइफ में कोई टेंशन नहीं। बस खाना, सोना, तैरना और बीच पर लेटे रहना, और अपनी वाइफ के साथ ढेर सारी प्यारी प्यारी बातें करते रहना। मैं ठीक से सो नहीं पा रहा हूं, इसलिए इस मानसिक तनाव से बाहर आना अपने आप में एक कमाल का एहसास है। हे ग्रीस, हे, सुना तुमने मैंने क्या कहा? बिल्कुल तुम्हारी उस शायरी की तरह। तुम शायर नहीं हो, समझे?
बार्थिमियो, हे बार्थिमियो, ये स्मेल तो ग्रीस के मोजे से भी ज्यादा गंदी है। अपना मुंह बंद रखो, समझे? बार्थिमियो यार, तुम इसे कहीं और क्यों नहीं ले जाते? ये स्मेल मुझसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रही है। वो ठीक कह रहा बार्थिमियो, ये भयानक है, ये उसकी सांस से भी गंदी है। तुम उसे टॉर्पीडो रूम क्यों नहीं ले जाते? नहीं, उसे शिप के किनारे पर ले जाओ। मैं उसे हिला नहीं सकता, ओके? समझो बात को। तो फिर तुम इसे अपने क्वार्टर में क्यों नहीं ले जाते? क्या तुम लोग थोड़ा अपना मुंह बंद रखोगे? भूल जाओ उसके बारे में, ये एक स्मेल है। ऐसी स्मेल कई बार आएगी और कुछ दिनों में तुम्हें इसकी आदत पड़ जाएगी, जैसे तुम्हारी तन की दुर्गंध हो। भारती में हमें उसे चुप कराना होगा। शांत हो जाओ, सब ठीक हो जाएगा। ये टिन हमें एक ही बार में ऊपर ले जाएगा। सुनो सुनो, आराम से। मैं वो आवाज सुन सकता हूँ। कोई बात नहीं, वो तेज हो रही है, प्रेस वाटर कैन से टकराने वाला है। इसे चुप कराना होगा। यार चुप हो जा। अब चुप करो। भारती में हो, तुम्हें उसके पैर का कुछ करना होगा। हे, चुप हो जाओ दोस्त। डॉक्टर, वो क्या है? वो एक हड्डी है, कुछ समझे? क्या तुम्हें लगता है वो गैंग्रीन है? पता नहीं, मेरे विचार से एक ट्रॉपिकल इन्फेक्शन है। हे सुनो, हे, आवाज कम है, चुप हो जाओ। वो आ गए। ब्रेस, बार्थिमियो, तुम्हें इसे चुप रखना होगा। ये बहुत तकलीफ में है। और पैर ठीक नहीं है। और ग्रे भी ठीक नहीं लग रहा है। शेल शॉक। मैं सांस नहीं ले पा रहा हूं। मैं सांस नहीं ले पा रहा हूं। आराम से ठीक हो जाएगा, बिल्कुल ठीक हो जाएगा। आराम से सब ठीक हो जाएगा। आराम से, ओके चलो ठीक हो जाएगा। ठीक है, सब आराम से, सब ठीक है, सब ठीक है। क्या तुम ठीक हो? नहीं, मैं ठीक नहीं हूँ। मैं फिर से बम का सामना नहीं कर सकता। मेरे सर का दर्द, ये ठीक नहीं। आराम से, सब ठीक हो जाएगा। मुझे भी कभी तूफान पसंद नहीं थे। मेरा भाई जैक ऐसा करता था, वो हमेशा मुझे चढ़ाता था। उसे तूफानी बिजलियां पसंद थी। कोई बात नहीं, सुनो फ्रेड, तुम्हें हिम्मत रखनी होगी, ये गुजर जाएगी। ठीक है, मेरे पास जैक के साथ वाली एक फोटो थी, वो 2 साल से लापता है, हो सकता है तुमने देखा हो। तुम्हारा परिवार है? इंग्लैंड। एक भाई जंग में? नहीं, एक बहन
जर्मन एसएस के लोगों ने उसकी जान ले ली क्योंकि वो एक जासूस थी। जासूस? वो और उसका पति फ्रेंच अंडरग्राउंड में काम करते थे, उन्होंने उसे भी पकड़ लिया। क्या तुम मेरे भाई के बारे में पक्का हो? हाँ। वहां रेल रोड पर ज्यादातर ब्रिटिश हैं, कुछ डच हैं और कुछ हॉसेस हैं, और वहां कोई अमेरिकन नहीं है। क्या ये पायलट था? यस। उसका प्लेन वो कहां? न्यू गिनी 1942। 1942। बेट से पूछ कर देखो। ओके। क्या तुम उसे जानते हो? Are you sure? क्या तुम उस रेडियो को ठीक कर सकते हो? शायद। हाँ या ना? हाँ। चलो शैक में वापस चलो और रेडियो ठीक करो। हमें कुछ भी करके 100 वापस ड्यूटी पे चाहिए अभी। उसे आघात हुआ है, मुझे उस पर कड़ी नजर रखनी होगी। ब्रेन हैमरेज के काफी चांसेस हैं, उसकी याददाश्त भी जा सकती है। खतरा बहुत है पर ठीक हो सकता है, हमें इंतजार करना होगा। उसका संतुलन बिगड़ सकता है, मुझे थोड़ा समय चाहिए, शायद उसे भी। देखो मैं जानता हूं 1-2 घंटे में 100 को तुम ठीक कर दोगे, राइट? नो चीफ, ये बहुत सीरियस मामला है। सीरियस? ओ भारती, में उसे सिर पर थोड़ी सी चोट लगी और सिर दर्द है, तुम उसे ड्यूटी पर जल्दी ले आओगे। वो कमांड संभालने के लायक नहीं है चीफ, और जब तक वो ठीक ना हो जाए मैं उसे नहीं छोड़ सकता। ये तुम क्या कह रहे हो? ये समय कोई हेडक्वार्टर पर फॉर्म भेजने का नहीं है, ये बोट बहुत ही खतरे में है और कटर पर हम ये जिम्मेदारी नहीं दे सकते हैं। मुझे यकीन है चीफ कि कटर बहुत ही काबिल साबित होगा। भारती में वो कल पेपर नहीं है, हम दोनों को ही पता है कि कटर खुद के पिता तक को धोखा दे सकता है। हे परमपिता परमेश्वर, सत्य नाम वाले, आपका संसार, आपका स्वर्ग, हमें शक्ति दो। ये खाना, ये जीवन, सब आपका दिया हुआ है, हमारे पाप माफ करो। जिस तरह तुमने सबके किए, हमें बुराई से बचाओ। हे परमपिता परमेश्वर, सत्य नाम वाले, आपका संसार, आपका स्वर्ग, हमें शक्ति दो। ये खाना, ये जीवन, सब आपका दिया हुआ है, हमारे पाप माफ करो। जो तुमने, जैसे तुमने सबके किए, हमें बुराई से बचाओ, हमें बुराई से बचाओ। चुप रहो, बहुत सुन लिया। वो तुम्हारा भगवान है, मेरा नहीं है, और वो सुन नहीं रहा है। नहीं, वो सुन रहे हैं, बस ये कोई परवाह नहीं है। तुम्हें विश्वास नहीं है ना? अब नहीं रहा। हे किशास्की, तुम्हें प्रे करना है तो करो। हे परमपिता, आप जो स्वर्ग में है, हमें भोजन दो, हमारा जीवन अच्छा करो, हमें ये सब शांति से करो या फिर कहीं और चले जाओ। चुप रहो, ये तुम्हारी बोट नहीं है, तुम सिर्फ मेहमान हो। अगर वो प्रे करना चाहता है तो वो कर सकता है, तुम कहीं और जा सकते हो। मैं सोच रहा हूं हमें जितनी भी मदद मिले वो ले लेनी चाहिए, चाहे वो भगवान से ही क्यों ना हो। अच्छा,
क्या लगता है तुम्हें क्या मदद मिलेगी? निकलो यहां से। बहुत रोमांटिक हो। चलो किशावस्की, अपना प्रेयर करो। हाँ, प्रे करो, जिंदगी के लिए प्रे करो, पर कुछ घंटों में तुम मौत की दुआ करोगे। तुम गलत हो। किशास्की, मैं तुमसे वादा करता हूं, हम सब यहां से सही सलामत वापस अपने घर जाएंगे। समझ गए तुम? बहुत हो गया, तुम मुझे गुस्सा दिला रहे हो और बाकी साथियों को भी। हमको अपनी ताकत बचा के रखनी है, सांस लेना मुश्किल हो रहा है। चुपचाप प्रे करो, ओके? और मैं ग्रीस से सहमत हूं, जितनी भी मदद मिले हम ले सकते हैं। ग्रीस, कशास्की के साथ जाओ और मिल्ची को ढूंढो। ओके चीफ। CO2 अब्सॉर्बेंट को बाहर निकालो और टॉर्पेडो रूम को साफ करो। चलो मेरे साथ। तो फिर बेट्स कैसा है? फिलहाल तो ठीक है, अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। उसकी टांग मुझे खराब लग रही है। मेरे ख्याल से हमें मिस्टर बेट्स को सरफेस शिप पर भेजना चाहिए। हम ऐसा नहीं कर सकते, तुम्हें यहीं पर ऑपरेशन करना होगा। तो क्या तुम्हें पता चला कि उसके पैरों को हुआ क्या है? अल्सर ट्रॉपिकम। क्या? ये ट्रॉपिकल अल्सर है, मैंने किताब में पढ़ा है। चीफ, हमारे सारे एंटीबायोटिक्स जंग के दौरान खराब हो गए हैं, अब हमारे पास सिर्फ विटामिन्स बचे हैं। उसका पैर किसी गीले गैंग्रीन की तरह लग रहा है। हमें ऑफिसर को ऑपरेशन के लिए तैयार करना होगा। ओ नहीं नहीं, मैं उसकी टांग नहीं काट सकता। मैंने ये सब पहले कभी नहीं किया है और मैं उसे टेबल पर मरता नहीं देख सकता। तो फिर वो दर्द से मर जाए, है ना? क्या तुम उसकी आखिरी उम्मीद नहीं हो? तुम सच में यह कर सकते हो? बिल्कुल नहीं। सब ठीक हो जाएगा। मैं ये नहीं कर सकता। ओके, यहाँ नहीं, इलाज की सुविधा ठीक नहीं है, इन्फेक्शन का खतरा हो सकता है उसे। तुम उसे काम का बना सकते हो। चीफ, एम्प्यूटेशन के बारे में मैं ज्यादा नहीं जानता, और ट्रॉपिकल इन्फेक्शन, मैं इतना जानता हूँ कि टांग काटने के बाद मिस्टर बेट्स को और भी इन्फेक्शन का खतरा हो सकता है। क्या बोल रहे हो डॉक्टर? ये पहले मैं कर चुका हूं, बहुत सारे, और वो भी चिल्ला रहे थे, पता है? पेन किलर भी नहीं है? पेन किलर नहीं, सिर्फ वो सिगरेट कस के उसके मुंह पे बांधो, बम्बू को दांत से दबा कर रखो ताकि उसकी चीखें पूरी तरह से दब जाए, एक छोटे बच्चे की तरह। वॉक सिगरेट? ये क्या बकवास चीज है? ये लोकल तंबाकू है, पूरी तरह से ऑर्गेनिक, बहुत सारे रंग है, ऑरेंज से लेकर काला तक। जितना गहरा उसका रंग होगा उतना ही वो कड़क होगा। ज्यादा इस्तेमाल करने से आदमी पैरालाइज्ड भी हो सकता है। क्या तुम्हारे पास वोक सिगरेट है? नहीं। फ्रेडरिक, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। तुम लोगों ने टूल्स के लिए क्या यूज किया था? कुछ भी नहीं। क्या मतलब है तुम्हारा? जिस अंगूठे में अल्सर था उसे कैंची से काटा गया बिना सुन्न किए हुए, और हमारी किस्मत अच्छी थी, हमारे पास एक डॉक्टर था, बहुत ही समझदार डच, और उसने क्या इस्तेमाल किया, टेबल, नाइफ, स्कैल्पल, फोर्सेप्स का, मुझे नहीं पता। हमने मुड़े हुए कांटे का रिट्रैक्टर की तरह इस्तेमाल किया। और हड्डी का क्या?
हड्डी काटने के लिए तुमने क्या इस्तेमाल किया? हमने कुल्हाड़ी उधार मांगी थी बावर्ची खाने के पूछरों से, और उन्होंने वो किसी कारपेंटर से लिया था। प्लीज मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। मैं कोई डॉक्टर नहीं हूं। बेट्स मर जाएगा, तुम्हारी मदद के बिना नहीं कर सकता। तुम्हें मदद करनी होगी, केवल तुमने देखा कि ये कैसे होता है। मैं एक टूटा हुआ रेडियो बना सकता हूं, एक टूटा हुआ शरीर नहीं बना सकता हूं। मैंने कहा ना, मैं कोई डॉक्टर नहीं हूं। मैंने जिनकी मदद की वो बच नहीं पाए, तब से इन चीजों से मैंने खुद को दूर रखा है। वहां कैंप में कम बीमारों को मैं ज्यादा बीमारों से दूर रखता था, क्योंकि ज्यादा बीमार लोग काम पर भेज दिए जाते थे, क्योंकि वो जानते थे कि वो मरने वाले हैं। बस हो गया। कोई आवाज नहीं होनी चाहिए। जी सर। यूले तुमने क्या सुना? कोई आवाज नहीं आ रही सर, वो डिस्ट्रॉयर चला गया। लग रहा है चले गए होंगे, पर वो ऊपर हमारा इंतजार कर रहे होंगे। अगर हम अभी ऊपर गए तो हम मारे जा सकते हैं, इसलिए मैं कहूंगा जहां हम अभी हैं हमें वहीं रहना चाहिए। पेरिस्कोप की गहराई तक। अगर जापानी ऊपर है वो हमारे टैंक के एयर बबल्स देख सकते हैं, वो हमें चुटकी में खत्म कर देंगे। हम पेरिस्कोप की गहराई तक जा रहे हैं। सर हमारा इस चार्ज में काफी नुकसान हो चुका है, क्या हम जल्दी तैर के यहाँ से निकल सकते हैं? हमें उस गहराई तक जाकर देखना होगा। 55 फीट की गहराई तक ले चलो और देखना कि रैंक टैंक को नुकसान ना पहुंचे। पेरिस्कोप की गहराई तक, टैंक को 100 पाउंड पर ब्लो करो। ब्लोइंग सिक्योर्ड, नेगेटिव सी वॉल्व क्लोज्ड, पेरिस्कोप की डेथ है 55 फीट। अप स्कोप। कोई दुश्मन नहीं दिख रहा। डाउन स्कोप। दूसरी बार जापानीज चले गए, पर क्यों? शायद उन्हें लगा कि हम चले गए। चीफ इसे ऊपर ले चलो। तुम दिन की रोशनी में ऊपर जाना चाहते हो? मिल्ची मुझे एक मैसेज मिला है। रेडियो रूम से अनआइडेंटिफाइड सिग्नल्स आ रहे हैं। सर मुझे एसजे रडार पर कुछ मिल रहा है। म्यूली क्या तुम उसे पहचान सकते हो? ये हमारे खिलाफ हमला हो सकता है। सर एक रेडियो ट्रांसमिशन है पर कुछ समझ में नहीं आ रहा है। साफ साफ बताओ। कशास की क्या तुम समझ सकते हो? ये शायद जर्मन है। जर्मन? सर ये जर्मन हो सकती है। जर्मन? म्यूली डिस्ट्रॉयर हमारे किस दिशा में है? सर रीडिंग है 065। दूरी? सर बस पास में ही है, यही कुछ 7000 यार्ड्स। चीफ इस बोट को ऊपर की दिशा में ले चलो और डिस्ट्रॉयर की दूरी पर नजर रखो। लेकिन डिस्ट्रॉयर के पीछे जाना कप्तान के ऑर्डर के सख्त खिलाफ है। सर डिस्ट्रॉयर की रीडिंग है अब 055, रेंज अभी भी 7000 यार्ड्स है। सर हमने मैसेज की जांच कर ली है, ये पक्का जर्मन है। जर्मन? यस सर। सर डिस्ट्रॉयर की रीडिंग अभी भी है 055। चीफ इस बोट को ऊपर की दिशा में ले चलो और डिस्ट्रॉयर से दूरी बनाए रखना, ये मेरा ऑर्डर है। लेकिन कैप्टन ने मुझे मीटिंग पॉइंट तक पोजीशन बनाए रखने के लिए सख्त ऑर्डर्स दिए हैं। ऊपर ऊपर ऊपर, अब ऊपर ले चलो 055। अगर कोई बगावत की तो मैं तुम्हें निकाल दूंगा। कैप्टन ने मेरे सामने सख्त ऑर्डर दिया था और मैं इसकी गवाही तुम्हारे कोर्ट मार्शल के समय दूंगा। तुम मुझे धमकी दे रहे हो? एक और गलती और तुम गए। मिल्ची मुझे फॉरवर्ड बैटरीज की जानकारी दो। मैन्यूवरिंग, मुझे फॉरवर्ड बैटरीज की रिपोर्ट चाहिए। बैटरी लो है चीफ, हम अभी भी पानी बाहर निकाल रहे हैं। डिस्ट्रॉयर अभी भी 7000 यार्ड्स पर है। मुझे नहीं लगता ये जगह बदल रही है। हमें कुछ ना कुछ करना होगा। डिस्ट्रॉयर पर नजर बनाए रखो, 055 की दूरी बनाए रखो। मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा,
ऑर्डर्स है कि कैप्टन से मीटिंग 3 बजे करनी है और फोटोज कॉम सब पैक को देनी है। कौन सी फोटोज? उस आइलैंड पर क्या हो रहा है? दरवाजा खोलो, ब्रिज की तरफ बढ़ो। हो गया। मुझे फिर डिस्ट्रॉयर एसजे पर दिखा, अब ये 4000 यार्ड्स पर है। सी वाल्व सिक्योर कर लिया है। डिस्ट्रॉयर फिर देखा 4000 गज की दूरी पर। रीडिंग 350। नीचे जाने की तैयारी करो। ध्यान नीचे की तरफ, ब्रिज पार करो। नीचे नीचे। पेरिस्कोप के डेप्थ पर ले चलो और दूरी बनाओ 270। चीफ, हमें स्ट्रॉन्ग सिग्नल मिल रहे हैं और मैसेज जर्मन में है। हमें फिर से मैसेज आ रहा है, इस बार सिग्नल ठीक है। ठीक है चीफ, पेनिनसुला के पीछे क्या है? एक पुराना हार्बर है, हमें पीछे मुड़कर पिछली पोजीशन बना लेनी चाहिए। डाउनस्कोप। मैं एक बार और पूछ रहा हूँ चीफ, उस आइलैंड पर क्या है? एक पुराना हार्बर। यहाँ पर एक बेकार बर्मा बटरफ्लाई है और एक उपकरणों से भरा झोपड़ा है जो शायद जापानी यूज करते हैं, और जाहिर है कैप्टन भी। अब स्कोप। डाउन स्कोप। तुम जानबूझकर मेरे कमांड में दखल अंदाजी कर रहे हो। अब मेरी नजर के सामने है एक जर्मन यू बोट और एक जापानीज डिस्ट्रॉयर, और पूछो क्या, मैं उनके पीछे जा रहा हूँ और जो रिपोर्ट में कॉम सब पैक को दूंगा वो डिस्ट्रॉय के डूबने की होगी। अब स्कोप। उसका निशाना है पोर्ट 90। रीडिंग मार्क करो। रीडिंग 315। तुम इस जानकारी को समुद्र में नहीं डुबा सकते। जहाज को घुमाओ, हम इस जानकारी को खो नहीं सकते। दूरी निशाने पर। दूरी 3000 गज। डाउन स्कोप। 2/3 आगे बढ़ो। गति की दिशा 3-4-5। 2/3 आगे की तरफ। फ्लग ट्यूब्स 1, 2 और 3। बाहरी दरवाजे खोलो। ये एक पागलपन है। पहले डिस्ट्रॉयर की बारी है, फिर यू बोट की। फ्लग ट्यूब्स 1, 2 और 3 और बाहरी दरवाजे खोल दो। ये मेरा ऑर्डर है चीफ। फ्लड ट्यूब्स 1, 2, 3 और बाहरी दरवाजा खोल दो। फ्लड ट्यूब्स 1, 2 और 3 बाहरी दरवाजे खोल दो। बाहरी दरवाजे खुलते ही मैं रीडिंग बताऊंगा और फिर हम शूट करेंगे। अब स्कोप। रीडिंग निशाने पर। रीडिंग 0-3-5। 0-3-5 सेट। उन्होंने मैं देख लिया। डाउन स्कोप फायर 1। पहला गया। फायर 2। दूसरा गया। दूसरा फायर नहीं हुआ। दूसरा खराब हो गया है, वो फायर नहीं हो रहा। फायर 3। तीसरा गया। गहराई में चलो और चार्ज क्लियर करो। उस पहली मिसाइल का टाइम क्या है? पहली मिसाइल 22 सेकंड में हिट करेगी। दूसरा टॉर्पेडो बाहर नहीं निकल रही, वो ट्यूब में ही गर्म हो रही है। दूसरी मिसाइल ट्यूब में ही गर्म हो रही है। पहली और तीसरी गर्म है, बिल्कुल सही है सर। हम 200 फीट गहराई में हैं, हम सीधे निशाने पर हैं। कोई सुझाव? पहली मिसाइल 8 सेकंड्स में हिट करेगी। क्या हम 200 फीट की गहराई से निशाना लगा पाएंगे? डिस्ट्रॉयर 1000 यार्ड्स पर है। उस तीसरी मिसाइल का टाइम क्या है बताओ? सर, तीसरी मिसाइल हिट करेगी इन 3, 2, 1। मिसाइल की टरबाइन बंद हो गई है सर। इसकी तो मैं वो हमारे बिल्कुल ऊपर है सर, वो हमें ट्रैक कर रहे हैं। क्या हम 200 फीट की गहराई से निशाना लगा पाएंगे? वो हमारे नजदीक आ रहे हैं।
मिसाइल की टर्बाइन बंद हो गई है सर, मिसाइल अभी भी ट्यूब में है। मुझे आवाज आ रही है, संभल कर। दूसरी ट्यूब का बाहरी दरवाजा खुल गया है। मुझे नहीं लगता टॉर्पेडो लोड हुई होगी। हमें वो टॉर्पेडो बाहर निकालना होगा, नहीं तो वो इस झटके से अंदर ही फट जाएगी। आगे के टॉर्पेडो रूम में जाने की परमिशन दीजिए। उस मिसाइल को वापस बोट में ले लो, सामने यू बोट है। यू बोट लाए? देखो हम कहीं नहीं जा रहे हैं, तुमने हमें यहाँ फंसा दिया है। वो टिन का डब्बा हमारा शिकार कर रहा है और हमें पक्का नहीं छोड़ेगा। हमारी हालत मुझे ठीक नहीं लग रही। हमने स्टॉप बटन भी दबा दिया है पर हम मिसाइल वापस ट्यूब में नहीं ले पा रहे हैं। हमें बोट को ऊपर की तरफ 5 डिग्री घुमाना होगा, शायद तब हम दरवाजे को ठीक कर पाएंगे। ठीक है, कंट्रोल रूम, बोट को 5 डिग्री ऊपर के एंगल पर घुमाओ। टॉर्पेडो रूम, हमारी बोट 5 डिग्री ऊपर एंगल पर है, क्या तुम दरवाजा सही कर पा रहे हो? चीफ, हम अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं लेकिन मिसाइल ट्यूब में पूरी तरह फंसी हुई है। अनियंस, ये तुम्हारी बच्ची है, इसे अंदर लो। चीफ, ये हिल नहीं रही है बिल्कुल भी। उस चीज को कस के मोड़ो। चीफ, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। वो हमें सिग्नल दे रही है। अनियंस, वो टिन कैन हमारा शिकार कर रहा है। अगर हमें इस फंसी हुई मिसाइल के साथ और नीचे जाना पड़ा तो हम जमीन दोबारा नहीं देख पाएंगे। अनियंस, क्या हो रहा है? बनबनाहट तगड़ी है सर, वो हम पर निशाना साध रहे हैं। तुम जाके टॉर्पेडो रूम में हाथ बटाओ। यस सर। अनियंस, मैं तुम्हें सुन नहीं पा रहा। बिल्ची तुम्हारे पास मदद के लिए आ रहा है, मुझसे बात करो। हे चीफ, ये हिल गई, ये अपनी जगह से हिल रही है। अनियंस, उसे अंदर खींचो, उसे बिल्कुल भी ढीला मत छोड़ना। उसने हमें उठा लिया है। और झटके। और ये है वाटर कैंस। चीफ, वो मिसाइल हमारे कंट्रोल में, बस कुछ देर और। हमारे पास और समय नहीं है, वो यहां किसी भी सेकंड आएंगे। अनियंस, मुझे उम्मीद है तुमने उसे अंदर खींच लिया होगा, मैं नीचे जाना है। चीफ, आखिर नीचे हो क्या रहा है? सब चाय पीने गए हैं सर, वो अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं। तुम्हें पता है क्या चीफ, मैं तुम्हारी बकवास सुन सुन के थक गया हूँ। सच में? मैं तो पहले से ही तुम्हारे कमांड से तंग आ चुका हूँ। तुम हद पार कर रहे हो, तुम्हें पता है तुम क्या बोल रहे हो? मुझे अच्छी तरह पता है मैं क्या बोल रहा हूँ। चीफ, हमने उसे अंदर खींच लिया। ट्यूब सही है। फ्लड नेगेटिव, उसे नीचे ले जाओ। लेवल ऑफ करो 300 पर। फ्लड नेगेटिव, निशाने पर। चीफ, हमें चार्ट पर भरोसा नहीं कर सकते, यहाँ कम गहरा भी हो सकता है। साउंड हेड्स को अंदर खींचो। उन्हें अंदर खींचो, हम उन्हें खरोच नहीं पहुंचा सकते। टॉर्पेडो रूम को आगे करो, मिल्ची साउंड हेड्स में भेजो। मिल्ची, जल्दी जाओ और कंपार्टमेंट को सुरक्षित करो। यूलियस का हाथ बटाओ। जल्दी करो, ऊपर
50 फीट की गहराई तक ले जाओ। तल और गहराई पर अच्छी तरह से ध्यान देना, गहराई कम हो सकती है। अब धीरे धीरे 350 की तरफ। चीफ, हमें शांति से काम करना होगा। 350 फीट पर जा रहे हैं, सारे हिस्से गहराइयों में जाने की तैयारी, शांति रखें। चीफ, वो मैसेज याद है जो मुझे रेडियो पर जर्मन में मिला था? उसमें से एक शब्द है जो मुझे समझ में नहीं आ रहा, यू रैन, यू 235, आपने कभी सुना है? जल रहा था, मैंने उसे खींचने की कोशिश की, लेकिन वो बीम बहुत भारी था, वो आग, वो धुआं, वो उसमें जिंदा जल गया। उसमें उसने मुझसे मौत की भीख मांगी और मैं उसे दे नहीं पाया। मुझे इस बात का दुख रहेगा पूरी जिंदगी, ये मैंने क्या कर दिया। मैं अब जल्दी मरने वाला हूं। मैंने सही नहीं किया, मैंने उसे जलते हुए छोड़ दिया। बेट्स, सुनो मेरी बात, सुनो मेरी बात। जब तुम पहले आए थे, चीफ ने हमें उनके कोई भी भाई की फोटो दिखाई थी। तुमने उसे इग्नोर कर दिया था। तुम उसे जानते थे, है ना? तुम जानते थे। वो पायलट था और उसके बाल लाल थे। उन्हें लाल बाल से चिढ़ है। उसकी आंखों पर उन लोगों ने पट्टी बांध दी थी। उन्होंने उसे नीचे बिठा दिया और उनके पास तलवारें भी थी। वो लोग हैकर्स थे, वो लोग समुराय नहीं थे। और फिर उन्होंने उसे काट दिया उन्होंने मेरे सामने। वो हैकर्स थे, समुराय नहीं। मियो, बेट्स कैसा है? वो जिंदा है। उसे सांस लेने में तकलीफ हो रही है और नब्ज भी कमजोर है काफी। चीफ, ऑक्सीजन इतनी कम है, मैं नहीं जानता मैंने सही किया कि नहीं। तुमने सही किया है। लुई, तुम कमाल कर रहे हो। हम जहाज में थोड़ी और ऑक्सीजन मंगा लेंगे, तुम बेहतर महसूस करोगे। चीफ,
शांत, थोड़ा आराम कर लो। चीफ प्लीज। मियो मैं कौन के पास जा रहा हूं? ग्रे, थोड़ा आराम कर लो। जैक। चीफ। यह आपका भाई जैक है। जैक, जैक, मेरा भाई जैक। क्या उसके लाल बाल थे? हाँ, उसके लाल बाल हैं। कहाँ? कब? उन्हें लाल बालों से चिढ़ है। तुम्हारा क्या मतलब है? बेट्स, बेट्स, थोड़ा हौसला रखो। बताओ तुम्हारा क्या मतलब है? वो समुराई नहीं है, वो हैकर्स हैं। मैंने उसे मार डाला। उनकी माने तो मरने के ही लायक है। बस तुम्हारे भाई जैक को कोई भी नहीं बचा सकता था। मैंने उसे मार दिया। नहीं, तुमने नहीं मारा। तुमने बिल्कुल वही किया जो तुम्हें सही लगा। हर रोज एक POW खुद से ये पूछता है कि जिंदा कैसे रहते हैं, साथ ही खुश भी। कभी कभी हमें कुछ करना पड़ता है ताकि हम अपनी जिंदगी बचा सकें। और मैं सोचता हूं कि मिस्टर बेट्स ने बिल्कुल वही किया। तो तुम्हें क्या लगता है? पता नहीं, माइक्रोफोन पर तो गोली लग गई है। हमें मोर्स कोड भेजने की कोशिश करनी होगी। तुम्हारा कोडिंग कैसा है? बकवास। मैं मैसेज भेजने के लिए माइक्रोफोन की यूज कर सकता हूँ। आप क्या कहना चाहते हैं? लिटिल लुलू, लिटिल लुलू, अर्जेंट। यू बोर्ड जैप डिस्ट्रॉयर वेस्ट ऑफ सुमात्रा, 3 degrees साउथ, 99 degrees ईस्ट। सारा सामान पकड़ लिया जाए। ठीक है, अब हम दुआ करेंगे कि हमारी टोली में से किसी को मिला हो। ठीक है, इसे फिर से भेजो। आप श्योर हैं? वो सिग्नल ट्रेस करके हम तक पहुंच सकते हैं। मुझे पता है, इसे फिर से भेजो। हम ढूंढे जा रहे हैं। और बैटरीज का क्या? बस खत्म हो गई है समझो। चीफ, कटर ये बोट के साथ क्या कर रहा है? उसने हमें घेर लिया है। हम पानी इंजन के हिस्से के नीचे से ले जा रहे हैं। लेकिन कुछ तो करना पड़ेगा, नहीं तो हम सब इस समंदर में दफन हो जाएंगे। चीफ, जहाज की क्या हालत है? ऑक्सीजन बहुत कम है। और चीफ, जहाज का टॉर्पीडो रूम पानी से 20 डिग्री के एंगल पर है। पानी का दबाव इस जहाज को चलने नहीं दे रहा और पंप रूम पानी से भरा हुआ है।
क्या मतलब ग्रीस? और हम हाई प्रेशर एयर भी खो चुके हैं चीफ, आपको पता है ना ग्रीस क्या कह रहा है? इसका मतलब है कि हम वापस नहीं जा पाएंगे। तुम्हारे हिसाब से हमारे पास कितनी हाई प्रेशर एयर बाकी है? मेरे ख्याल से हम 100 फीट तक बोट को ले जा पाएंगे, उससे ज्यादा नहीं चीफ। कोई सुझाव? या तो एग्जेक को वापस लाओ या फिर कटर को छोड़ दो। तुम्हें अंदाजा है तुम क्या कह रहे हो? हाँ बिल्कुल। और कैप्टन का क्या? हम उन्हें छोड़ दें? उन्हें आइलैंड पर पहुंचकर तुम लोगों को कुछ ऑर्डर्स देने थे। कैप्टन ने मुझे 3 बजे इन्फॉर्मेशन को कॉम सब पैक तक पहुंचाने को कहा था, और कैप्टन की बात हमें माननी चाहिए। तो हम वही करेंगे जो कैप्टन ने कहा है, पर पहले हम कटर को शिप से बाहर निकालेंगे, नहीं तो वो कमीना हम सबको मरवा देगा। मैं समझ गया। क्या? ये मैसेज, ये शिप के कार्गो की लिस्ट है, यू बोट के डेली पोजीशन की रिपोर्ट भी है। ये सुनिए, उनके पास रबर, टंगस्टन, टिन, गोल्ड, मोलिब्डेनम एंड यूरेन जैसी चीजें हैं। हम ये कह भी नहीं पा रहे मोलिब्डेनम। यूरेन जर्मन में यूरेनियम को कहते हैं। U-235 मेटल एलिमेंट है और रेडियो एक्टिव होता है। रेडियो एक्टिव? हाँ। और मोलिब्डेनम लोहे और स्टील को ताकतवर बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इससे दुश्मन की ताकत बढ़ती है और उन्हें हराना बहुत मुश्किल हो जाता है। हथियार ऐसे ही बनते हैं। अब इस यूरेनियम का जो भी मतलब हो, हमें जल्द से जल्द सतह पर पहुंचना होगा, और ये जानकारी कौन सा पैक तक पहुंचाकर कैप्टन को आगाह करना होगा। मैं तुम्हें याद दिला दूं, यहाँ ऑर्डर्स मेरे चलेंगे और सारे डिसीजंस मैं लूंगा। तुम मेरी बोट पर कब्जा नहीं कर सकते। तुम्हारी बोट? ये कैप्टन की है। इस बोट और इसके लोगों का बिल्कुल ख्याल नहीं है तुम्हें। तुमने खुद ही ये कहा था। तुम्हारे लिए बस इंपॉर्टेंट है वो वॉच और मेडल, मेडल जो कि तुम्हें ऊंची कुर्सी दिलाएगा, बिल्कुल तुम्हारे बाप की तरह। स्वार्थी लालची धोखेबाज, ये मेरी वॉच है। ये मेरी वॉच है, रॉबर्ट ई ली से अलविदा कहो। आखिर चल क्या रहा है यहाँ पर? मैं बस मिस्टर कटर को कैप्टन के ऑर्डर्स का पालन करना सिखा रहा था सर। मुझे ऊपर से बहुत आवाजें आ रही है सर। किस तरह की आवाजें? जैसे एक रेन स्क्वॉल। रेन स्क्वॉल? हाँ सर। सर, क्या आपको डॉक्टर ने ऑफिशियली रिलीज किया है? रेन स्क्वॉल का सरफेस बिल्कुल नहीं दिखता, क्या हमारी बोट वहां तक पहुंच सकती है? अगर डॉक्टर ने आपको ऑफिशियली रिलीज नहीं किया तो यहाँ मेरे कमांड्स चलेंगे। हमारे पास केवल जहाज को 200 फीट ऊपर ले जाने लायक ही फ्यूल है। इंजन को स्टार्ट करना लगभग नामुमकिन है, या कहो पागलपन, पर हम शायद इसे कर सकते हैं। तो करो। मुझे ग्रीस से बात करनी होगी। मिल्ची, ग्रीस को हॉर्न पर ले आओ। यहां मेरे कमांड्स चलेंगे, समझे आप? जब तक आपको डॉक्टर रिलीज ना करे आप कमांड नहीं दे सकते। मेरा ऑर्डर है कि आप वापस जाएं। जाकर किनारे खड़े हो जाओ मिस्टर कटर, और अपनी जुबान बंद रखो। ग्रीस, क्या इंजन चल पाएगा? आपका मतलब अभी पानी के अंदर? हाँ, पानी के अंदर। हाँ, हम कर सकते हैं, लेकिन ऐसा करने से हमें सांस लेने में दिक्कत हो सकती है। अगर कंप्रेस्ड एयर हमें 100 फीट तक ले जाए तो क्या तुम हमें सरफेस तक पहुंचा पाओगे? हाँ, मैं जरूर पहुंचा दूंगा, आप बस अपनी सांसें संभालिए। ग्रीस ने कहा था 200 फीट पर इंजन चालू करने से बहुत सारा वैक्यूम बनेगा, और शायद यही हमें सतह तक भी ले जा पाए। ये पागलपन है सर, ये कमांड करने के लिए फिट नहीं है। सर, इसकी बात मत सुनिए, जल्दी करो सतह की तरफ, और जैसे हम लोग वहां पहुंचे पहले पुल जाने का दरवाजा खोलना और फिर मेन बैटल स्टेशन। को छूते ही डिस्ट्रॉयर हमारे इंतजार में होगी। हम रेंज कॉल के पीछे नहीं छुप सकते, उस डिब्बे को हमारी पोजीशन पता है। इससे बेहतर आइडिया है तुम्हारे पास?
कितने मिसाइल्स बचे हमारे पास? तुम इस काम के लायक नहीं हो और निशाना तो तुम लगा ही नहीं पाओगे। मुझे लगता है तुम्हें जाना चाहिए मिस्टर कटा। तुम कमांड के लिए फिट नहीं हो। बहुत हुआ, अब इसके बाद मैं तुम्हारी एक भी बकवास नहीं सुनने वाला हूँ। तुम धमकी दे रहे हो? नहीं मिस्टर कटर, ये मेरा ऑर्डर है। मुझे लगता है अब आपको जाना चाहिए मिस्टर कटर। ये बगावत है। मिल्चे, मिस्टर कटर को उनके क्वार्टर तक ले जाओ। यस सर। ऊपर पहुंचने से पहले हमारा दम घुट जाएगा। 100 फीट पर इंजन चलाना मौत को दावत होगी। ये आत्महत्या है। मैं जहाज को बचा सकता था, हम लोग जिंदा बच सकते थे। चीफ, उन मिसाइलों का क्या? हमारे पास 3 मिसाइल बची हैं, जिसमें दूसरी वाली की नली टॉर्पेडो से खराब हो चुकी है। ठीक है, नली नंबर 1, 3 और 4 भर दिए जाए। सुनिए सब लोग, जब हम सतह छुएंगे डिस्ट्रॉयर हमें टुकड़े टुकड़े करने को बेताब होगा, तो हमें तैयार रहना है। और होशियार भी, हमें जाप डिस्ट्रॉयर को धूल चटानी है। टॉर्पेडो कक्ष में जाओ, नली 9, 3, 1, 4 भरो। मेरे ऑर्डर का इंतजार करो, मुझे टारगेट की दिशा फौरन बताओ, और अगर वो डिब्बा बिल्कुल हमारे सामने है तो उसकी छाती में हमें लोहा भरना है, कोई दूसरा मौका नहीं। ब्योले, कुछ सुना तुमने? रेन्स कॉल सर, और कुछ नहीं। अभी छुपे रहो और ऑक्सीजन बचाओ। जब इंजन चलेगा और हम मिसाइल छोड़ेंगे, फिर हम सबके लिए सांस लेना बहुत मुश्किल हो जाएगा। लेकिन अगर सब कुछ ठीक रहा तो फिर चंद ही मिनटों में सब कुछ ठीक हो जाएगा। सतह की दिशा में बैरल स्टेशन। चलो तैयार हो जाओ, जल्दी जल्दी करो। आर यू रेडी? ट्यूब 1, 3 और 4 भर दी गई है। सर, निशाने सधे हुए और तैयार हैं। टैंक्स में आग लगा दो और इसे जल्दी सतह पे ले चलो, 20 डिग्री ऊपर की तरफ। टैंक्स तैयार करो, 20 डिग्री एंगल बनाए रखो। मिल्ची 250 फीट पर और ऊपर। चीफ, इंजन रूम को तैयार रखो। इंजन रूम तैयार। 150 फीट पर। 125। ये धीमा हो रहा है। इंजन चालू करो, सभी आगे की दिशा में। ग्रीस, इंजन शुरू करो, सभी आगे की ओर, हम उड़ने वाले हैं। मिल्ची, हाच को खोलो फौरन, जैसे ही हम सतह पर पहुंचते हैं। अब स्कोप। हम सतह पहुंच गए। बैटल स्टेशन। डिस्ट्रॉयर बिल्कुल सामने है, पोर्ट बाव की तरफ 2000 यार्ड्स पर। डेक पर नजर रखो। वो 1500 यार्ड्स पर है। रीडिंग 150। मिसाइल 1, 3, 4 को बाहर निकालो। निशानों को तैयार। मिसाइल 1, 3, 4 तैयार। 1000 यार्ड्स की दूरी। गए काम से सर। पहली फायर। तीसरी फायर। चौथी फायर। 1, 3, 4 सीधा आगे की दिशा में पूरी तरह से। टॉर्पेडो 1 दुश्मन से 7 सेकेंड्स की दूरी पर। 3 सेकेंड और ये पहला वार खाली। टॉर्पेडो 3, ओह एक और नाकाम। टॉर्पेडो 4, 6 सेकेंड। 2, 1
कोई सरेंडर नहीं। ओह, लाख लाख शुक्र है। चीफ, किसी से बोलो कि हमारे लिए जरा फ्रेश कॉफी मंगवा के रखे। फ्रेश कॉफी, फ्रेश है। कॉफी सर? सर मेरे ख्याल से कुछ स्ट्रॉन्ग पीना बनता है। बेचारी कुछ मेरीलैंड बर्बन और कैलिफोर्निया ब्रांडी तो मेरी अलमारी में पड़ी हुई है। और हम तो मीटिंग को खत्म करके जैसे ही कप्तान कल पेपर ऑन बोर्ड होते हैं मुझे सुराही भर पीनी है। हम घर जा रहे हैं, हम घर जा रहे हैं, हम घर जा रहे हैं। Carter.